आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ इस फेस जेल के बारे में, और ये है गुड वाइब्स का रोज हिप मैक्सिमम हाइड्रेशन फेस जेल। तो विंटर्स में सबकी स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिनकी ड्राई स्किन है विंटर्स में तो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है, और जिनकी ऑयली स्किन है उनको भी अपनी स्किन को हाइड्रेट करना होता है, क्योंकि उनकी स्किन भी थोड़ी थोड़ी ड्राई होने लगती है। जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है, पर अभी विंटर्स में मुझे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं जो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज करें, क्योंकि स्किन थोड़ी थोड़ी सी ड्राई हो रही है। तो ये जो जेल है ये मैक्सिमम हाइड्रेशन आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। ये जेल मिलके बना हुआ है रोज हिप से, और रोज हिप का काम होता है स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना, स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करना, स्किन को हील करना। तो ये जो जेल है वैसे तो सारे स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं, पर ड्राई स्किन वालों की स्किन पे ये सबसे अच्छे से काम करता है, क्योंकि अच्छे से हाइड्रेट करेगा। तो अगर आपको डलनेस की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन है, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को ये जो फेस जेल है वो दूर करता है। ये जो फेस जेल है ये गुड वाइब्स का फेस जेल है, इसीलिए ये आपको पर्पल पे ही मिलेगा। साथ ही साथ ये पैराबेन, सल्फेट और क्रुएल्टी फ्री जेल है, और ये दो साइज में अवेलेबल है, एक ये 50 ग्राम का और एक 100 ग्राम का आता है। पैकेजिंग की बात करूँ तो ऐसे जार में आता है जैसे कि सारे जेल्स आते हैं। टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे, और बहुत अच्छे से आप इसको मसाज कर सकते हैं। रेड कलर का ये जेल है, और रोज़ की इसमें फ्रेग्रेंस है, क्योंकि रोज़ हिप जेल है तो बहुत ही माइल्ड, बहुत ही सूदिंग इसकी फ्रेग्रेंस है। कहते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप अपने फेस को अच्छे से क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद आप इस जेल से अच्छे से मसाज कर लीजिए। 1 से 2 मिनट तक आप मसाज करेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगती है, और बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड भी है, तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपको पिंपल का प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, और क्लॉग पोर्स का प्रॉब्लम है, तो इस फेस जेल को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मैं इसको यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी विंटर्स में मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो गई है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरी स्किन ड्राई नहीं होती तो मैं इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करती। तो आपकी स्किन ऑयली है, एक्सट्रीमली ऑयली है, आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, इसको अवॉइड करें। आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी एज अ नाइट क्रीम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको रेगुलर 10 से 15 दिन तक यूज़ करेंगे तब आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आने लगेंगे। ये जो फेस जेल है स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता ही है, साथ ही साथ स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, स्किन को हेल्दी बनाता है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है विंटर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको ये बिल्कुल परचेज करना चाहिए। और मैं इसके साथ रोज़ हिप सीरम भी यूज़ करती हूँ, और वो सीरम भी कमाल का है और इसके साथ बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेसिंग लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।